टप्पू क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, सच बता। स्कूल से शिकायत आई है? अरे क्या हुआ मुझे बता ना। बैग दीजिए। ले भाई। अरे टप्पू ये तो अंग्रेजी में है और मेरे लिए तो अंग्रेजी मतलब भैंस बराबर। पापा को प्रिंसिपल ने स्कूल में मिलने बुलाया है। तो ले जा। क्या ले जा, पापा को लंच पे नहीं बुलाया है। अगर मैं पापा को नहीं ले गया तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे। दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे बचाऊं? सिंपल, आप टप्पू के पापा बनकर आइए। क्या? प्लीज दादाजी। नहीं नहीं टप्पू, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ठीक है दादाजी, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे और मेरा फ्यूचर। ठीक है कब जाना है? कल सुबह 11 बजे। देख टप्पू, ये पहली और आखिरी बार मैं तुझे बचा रहा हूँ। इसके बाद तेरी शिकायत आई तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जी दादाजी, और कोई लेटर भी नहीं आएगा। कोई फोन भी नहीं आना चाहिए। वो भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने नंबर ही गलत दिया है। सर आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। जी आप? मैं टप्पू का पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मगर आप तो काफी बड़े लगते हैं। ले बाप तो बेटे से बड़ा ही होता है ना, इतना भी नहीं मालूम? मेरा मतलब है आप तो टप्पू के दादा लगते हैं। अब वो क्या है ना कि मैंने टप्पू को बाप और दादा दोनों का प्यार दिया है। मेरा मतलब आपको समझा नहीं, मैं कहना चाहता था कि एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। मेरे को है ना एक भयानक बीमारी हुई थी और उससे भी भयानक मैंने दवाइयाँ खाई थी, तो आधे बाल चले गए और आधे सफेद हो गए। लेकिन मेरी उम्र 42 साल ही है। उम्र 42 की? लेकिन नजर तो आते हैं 65 के। मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे तुम्हें भी एक दिन मेरे जैसे टाल पड़ जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि उम्र क्या होती है और नजर क्या आती है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। टप्पू तो ये तुम्हारे पापा है? हाँ। अरे एक बार बुला तो सही, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए सारा स्कूल टप्पू की वजह से परेशान है और सारे टीचर्स उसकी शरारतों से हैरान है। आपको पता है उसने मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दिया था, उसकी वजह से उस बेचारी को पूरे बाल निकालने पड़े। हाँ तो उसे बोलो वीक पहन ले। क्या? अरे इतना ही नहीं, ये लड़का। एक मिनट प्रिंसिपल, तुमने कभी बचपन में शरारत नहीं की? की थी मगर। अरे मगर बगर क्या, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया होता तो आज तुम प्रिंसिपल बन पाते? नहीं बताओ मुझे, बताओ। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इसके बारे में हजारों कंप्लेंट्स आ रही है। ये हद से बाहर जा रहा है, ये होमवर्क नहीं करता है, ये स्कूल लेट आता है। अरे तो क्या करें हैं? क्या करें? अरे इसके वजन से ज्यादा तो किताबों का वजन है। अरे चलते चलते झुक जाता है। अरे ये छोटा बच्चा है, कोई महाबली भीम नहीं है। और तुम लोग बच्चे को स्कूल में डराते हो, धमकाते हो। अरे कोई पठान वसूली करता हो उस तरह से तो होमवर्क मांगते हो। अरे रोज रोज कहाँ से लाएगा ये होमवर्क? अरे क्या झाड़ पे उगता है होमवर्क? और तुम लोग बच्चे से ऐसा व्यवहार करते हो, मैं शिक्षा मंत्री तक जाऊंगा। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो आपके बचपन के दोस्त है? लेकिन वो तो 60 साल के ऊपर है। तो मैंने कब कहा कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है। और रीटा रिपोर्टर को जानते हो, हमारी सोसाइटी में रहती है। मैं ना टीवी पर भी आपके स्कूल के बारे में कहूँगा। ठीक है, देखिए आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप ही ने तो बात करने के लिए बुलाया था। नहीं बस आप इतना ही बता देते कि भाई कल से ये शरारत नहीं करेगा तो फिर मैं। ठीक है कल से ये शरारत नहीं करेगा बस। एक मिनट। हेलो, हाँ चेयरमैन साहब, या मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ या आई एम कमिंग, एक्सक्यूज मी। चलिए पापा हम बाहर इंतजार करते हैं।
अरे भाई साहब, अपना प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? मालूम नहीं। टप्पू तू मेरा अच्छा बेटा है ना, तुमको मालूम नहीं है? दादाजी पापा, क्या बात कर रहे हैं तुम? तुमको मालूम नहीं है प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? नहीं मालूम है भाई। प्रिंसिपल कौन होता है वो तो मालूम है कि नहीं मालूम है? आज मेरा पहला ही दिन है। दादाजी भागो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। लेकिन आपने ही मुझे बुलाया है। अच्छा तुम आ जाओ। जी मैं जेठालाल गड़ा, टिपेंद्र का फादर। तुम्हारे फादर नहीं है? नहीं है ना। तो उनका नाम लेने में क्या शर्म आती है? ऐसा ही है कुछ। क्या मतलब उनका नाम ना ले तो ही अच्छा है। क्यों? अभी जाने दीजिए ना। क्या ठीक है मैं लेता हूँ अपने पिताजी का नाम। मेरे पिताजी का नाम है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ठीक है अब जाओ। सर आपने वो सर अरे वो टिपेंद्र की कुछ कंप्लेंट थी उसके लिए बुलाया है ना? कंप्लेंट उसकी नहीं तुम्हारी है। आप जरा ये पेपर बाजू में रख के बात कर सकते हैं? क्यों आप दिख नहीं रहे ना? तो बात करने के लिए दिखना जरूरी है क्या? और बिना देखे बात कैसे कर सकते हैं? तो फोन पे कैसे बात करते हो? ठीक है मैं आपको फोन लगाता हूँ, नंबर दीजिए अपना। मैं फालतू लोगों को अपना नंबर नहीं देता। देखिए ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ आप इतनी बदतमीजी से बात। आप मेरी केबिन में ये क्या हो रहा है मिस्टर जेठालाल? देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, अभी वो आप बैठ जाइए। आप मेरी कुर्सी में क्यों बैठे हैं मिस्टर जेठालाल? ओह सॉरी ये आपकी कुर्सी है। अरे भाई आप बार बार क्यों बीच में बोल रहे हो, आप बैठ जाइए। मैं जेठालाल से बात कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? अरे मुझे क्या मालूम आप कौन है वो। अच्छा ठीक है आप जो भी है यहाँ किस लिए आए हैं? आपने ही तो बुलाया मुझे। मैंने बुलाया था क्यों? वो टिपेंद्र की कुछ कंप्लेंट है ना। अरे टिपेंद्र की कंप्लेंट के लिए मैंने उसके पापा को बुलाया था और वो यहाँ आ चुके हैं। ये टिपेंद्र के पापा नहीं है क्या?